Hello kids, good morning. Yes, now today we learn small cursive T. क्या करेंगे? I will show you how to write small cursive P. P कहाँ से लिखेंगे हम? C. This is simple capital P. This is simple small P. And this is small cursive P. ठीक है? ये हम फर्स्ट ब्लू लाइन टू रेड लाइन लिखेंगे. ठीक है? और बिफोर दैट वी विल ट्रेस फर्स्ट. ठीक है? वो स्लैंटिंग लाइन होल लाइन में नीचे लाना है, लाइन वही लाइन में ऊपर यहाँ तक हाफ सर्कल बना के लाइक दिस. पी फॉर पैर है ना, ऐसे करेंगे. सी और फिर आपको इसमें लिखना भी है ना, लिखना टच करके स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन वही लाइन में ऊपर फिर ऐसा पी जैसा बनाना है एंड थोड़ा सा पर. पी फॉर पैर स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन फिर पी बनाया एंड कर्व. पी फॉर पेंगुइन पी फॉर पॉन्ड तालाब को क्या बोलते हैं? पॉन्ड. अगेन स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन ऊपर ले जाके ऐसा पी बनाया एंड कर. पी फॉर पीस मटर को क्या बोलते हैं? पीस. ओके, नाउ आई विल शो यू हाउ टू राइट फ्रॉम ब्लू लाइन टू रेड लाइन है ना. लाइक दिस वी हैव टू प्रैक्टिस. सी अरे क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन करेंगे. ठीक है? तो नीचे से ऊपर स्लैंटिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन वो ही लाइन में ऐसा ऊपर तक जाना है देन ऐसा पी बनाया लाइक दिस. पी फॉर पैर स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन वो लाइन में ऊपर जाके पी बनाया एंड कर. पी फॉर पैर एंड पी फॉर पंपकिन. ओके, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन वो लाइन में ऊपर ले जाके कर. P for peacock. Okay. Now again we will do P for penguin. Okay. Then P for peas. Okay. Like this we have to write. Now last time. P for penguin. P for peas. Okay. Like this you have to do. Okay. In this notebook first. ठीक है, ट्रेस करना है और थ्री टाइम्स लिखना है. और कर्सिव बिग बुक में पेज नंबर 48 एंड 49. ओके, नाउ वी विल डू वर्क इन पेज नंबर 52. ओके, नाउ सी पहले आपको क्या करना है? पेज नंबर 41 में लिखना है ना. ये पेज आपने किया, अब ये पेज करना है. Now we will do work in page number 52. Okay. See what is written here. Circle the first letter of the picture given below. ठीक है? ये कौन सा पिक्चर है? Nest. तो nest कौन से अल्फाबेट से चालू होता है? N से ना. तो very small cursive N. Here. तो
we will circle here. Then this is pet. P for pet. Where is P? अभी हमने सीखा ना P? Yes, here is P. Small cursive P. तो P में circle कर रहे हैं. Now this is picture of igloo. I for igloo. So we will circle in I. Then this is a picture of leaf. L for leaf. This is milk. क्या है, किसका पिक्चर बना हुआ है? मिल्क. तो M का है ear. Now this is केटली. K for केटली. Like this, ऐसा आपको सर्कल करना है. ठीक है. Now this one, write the first letter of the picture given below. ये जो पिक्चर दिया हुआ है ना, उसका फर्स्ट लेटर लिखना है. ठीक है. हैंड क्या लिखेंगे? स्मॉल कर्सिव एच. कैसे लिखते हैं? सी स्लैंटिंग लाइन से कर्व करके नीचे वही लाइन में ऊपर. लाइक दिस. एच फॉर हैंड. दिस इज विच फ्रूट? पाइन एप्पल. तो वी विल राइट पी स्मॉल कर्सिव पी. तो पहले स्लैंटिंग लाइन. ठीक है. देन वही लाइन में नीचे अगेन ऊपर पी फॉर पाइन एप्पल. दिस इज किंग. तो के फॉर किंग. के फॉर किंग कैसे लिखेंगे? ऐसे बना के नीचे वही लाइन में ऊपर कर्व देन स्लैंटिंग लाइन. के फॉर किंग. और ये है जूस. तो J for juice. Like this. J for juice. This is ostrich. O for ostrich. तो आपको क्या लिखना है? O. Like this. O for ostrich. This is elf flower. तो क्या लिखेंगे? I. I for elves. See slanting line. लाइक दिस. ऐसे आपको ये पेज में करना है. ओके. नाउ यू हैव टू डू वर्कशीट नंबर 9. और वर्कशीट नंबर 9 करना है आपको. ठीक है. 9 में सी व्हाट इज रिटन. कलर द ऑब्जेक्ट विच इज पोलिस यूज. इसमें से वो ऑब्जेक्ट में कलर करना है जो पोलिस यूज करता है. पोलिस क्या यूज करता है? ये. ओके. तो इसमें आपको कलर करना है. सी मैं टिक करती हूँ और आपको कलर करना है. ठीक है. देन दिस जैकेट पुलिस जैकेट. नाउ द नेक्स्ट वन गन है ना. फिर दिस इज पुलिस वैन. ये भी यूज करता है ना पुलिस. तो इतने में क्या करना है आपको? कलर करना है. ओके. बाय.